मगर हमने और आपने माई बंधु में सबको तकलीफ हुई, और ये याद रखिएगा, ये संभल एरिया के बंधु थे, मैं हसनपुर में गया, माई चार सिर्फ संभल एरिया के बंधु है। मैं कहना चाहता हूँ हमें आपको तकलीफ हुई, अपने तकलीफ होने की बात है, मगर सर आपने दिल में जहां तक मुझे बताइए अदानों का हमने कितना इनकार किया, अदानों का हमने कितना अदब किया। क्या अदान होने के बाद हमने आपकी टीवी को बंद किया था, क्या मोबाइल को हमने बंद किया था? नहीं, हमने तो सिर्फ कितना किया, बोलियों आवाज को खत्म कर दिया। जो नाटक चल रहा वो नाटक हमारी निगाहों के सामने चलता रहा। और साहब उलामा को फरमाते हैं जो अदानों के बाद बातों में मशगूल रहता है, अंदेशा है कि कहीं उसका ईमान खत्म ना हो जाए। एक और बुजुर्ग से मिले, वो भी पहले की तरह पतले हो चुके लेकिन नाबीन अंधे, बस्ती से दूर थोड़ा सा काफी। उनसे मुलाकात की, दुआ सलाम के बाद उनसे भी अर्ज किया, ऐसा क्या हो गया, आप नाबीन आए, आप थोड़ी सी अपनी तारीफ बयान फरमाए। उन्होंने कहा मैं भी आपकी तरह आंखों वाला, मेरी भी गिनाई थी, और जब मैं कमाल के और उर्ज के एक मंजिल पर न पहुंचा तो कदर नहीं अचानक मेरी निगाह एक गैर महरम को पड़ गई। आवाज आई, दावा हमारी मोहब्बत का देवता किसी और को, दावा हमारी मोहब्बत तो मैं खुदा का बंदा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का चाहने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ में आंसू बहाने वाला, दावा तेरा ये, और निगाह किसी देर में हम पे डालता है। बोले इतनी आवाज काना हुआ, उस वक्त मेरी आंखें बरस पड़ी, आंखों में आंसू आ गए, दिल तड़प गया, वो कांप गए, प्रॉम्प्ट खड़े हो गए, जिसमें कांपने लगा, पैरों के तले से जमीन खिसकने महसूस हो गई। और फिर मैंने हाथों को उठाकर रोते हुए जिनके साथ में बारगाह है मौला मांग किया था, या अल्लाह मैंने कसम तो नहीं डाली निगाह, मैंने कसम तो नहीं डाली निगाह, अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, जो हमारी बारगाह के जितने महबूब होते चले जाते हैं उन्हें मकाम एहतियाती हालत होती चली जाती है, उनका मकाम कितना बलंद हो जाता है, कितना एहतियात भी उनकी बलंद हो जाती है। आप ऐसी जगह गए क्यों जहां एक नतीजतन और गैर इरादी तौर पर गहरे महबूब में अंदर पड़ जाए, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको मुश्किल भी बहुत है। याद रखिएगा जब तुम्हारा ही मकाम है तो आपको तो ऐसी जगह से परहेज करना चाहिए, वला तुलकु बिअयदीकुम इला तअल्लुका, हलाकत वाली जगहों में जाने की इजाजत ही नहीं है। जब इतनी बार अल्लाह की बारगाह से अर्ज गुजार बने तो फिर मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह अब मैं इन आंखों को नहीं चाहता, या अल्लाह मुझे नहीं चाहिए ऐसी आंखें जो तुझे पसंद नहीं है, नहीं चाहिए मुझे ऐसी आंखें। वो बुजुर्ग कहते हैं अभी मैंने हाथों को दुआ करने के बाद जमीन की तरफ नहीं गिराया था कि अल्लाह ने मेरी दोनों आंखों की बिनाई खत्म फरमा दी थी। फरमाते फिर उसके साथ उसके बाद से 40 साल का मुसलसल सिलसिला होगा, रोता हूँ इबादत करता हूँ, 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 मौला मेरे उस गुनाह को माफ। हालांकि वो गुनाह नहीं है, मगर तुम रब के बारगाह के मुकर्रबीन हो जाते हैं, उनके रुतबे अलग हो जाते हैं, तो फिर उनकी बातें भी अलग हो जाती हैं। या अल्लाह माफ फरमा दे मुझे, या अल्लाह माफ फरमा दे। वो मिन्हाजुल आबिदीन ने भी बयान किया ना, मैं ये आटा लेके आ रहा हूँ सुना देता हूँ, मिन्हाजुल आबिदीन में बयान किया ना, तो साहब खाना खाया, शेर साजिद रानो फरमाते हैं गुरु के साथ में, तो उस दौर में कोई साबुन तो था नहीं, एक पड़ोस की दीवार से मिट्टी छुटा ली, ये मिन्हाजुल आबिदीन है बात, पड़ोस की दीवार से उनके हाथ रगड़वा दिए, रगड़वाने के बाद में दिलवाती हूँ, ताकि तो उस पर करी वगैरह होती आप उधर मिट्टी देकर ये छूट जाती है। फरमाते हैं 30 साल हो गए इबादतों की लज्जत खत्म हो गई, 30 साल हो गए इबादतों की लज्जत खत्म हो गई, इसलिए तो हमारा इबादतों में दिल नहीं लगता। इमाम साहब एक पढ़े हम 4 पढ़ते भी लगते हैं, उसमें तो वजीफा पढ़ना हो गया जाता, उसी में दुआ इमाम साहब की एक और 2 रकात तक पूरी हो गई, हम नमाज ईशा पढ़ के बाहर निकल जाते, लज्जत आएगी कहाँ से, हमने और आपने अपने रिश्ते गौर ही नहीं किया, गौर ही नहीं किया। फरमाते 30 साल हो गए इबादतों का लुत्फ और मजा खत्म हो जाता है, हालांकि मिट्टी की कोई हैसियत नहीं है, मिट्टी की कोई हैसियत नहीं है। तो जरा उन्हें गौर करना चाहिए जो दूसरों के पिलाटों पर कब्जा कर लेते हैं।
जो दूसरों की जमीनों को अपना कह देते हैं और दूसरों को परेशान करने के लिए मुकदमा दायर कर देते हैं। और याद रखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि आपको कारोबारी लोग हैं, अगर किसी के 1,004 रुपए निकलते हैं तो आप 1,000 दे देते हैं, 4 को खत्म कर देते हैं, 40 को खत्म कर देते हैं, आप 90 को खत्म कर देते हैं। बल्कि याद रखिएगा, पहले 4 रुपए 100 के साथ रखिएगा और कहिएगा, ये 4 रुपए मेरे नहीं है, आपकी मेहनत की कमाई के हैं। मेरे आपा तो फरमाते हैं, मजदूर के पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दो, उसके दिल से जो दुआएं निकलेंगी फिर इसमें बैठक देखना सुबह। और हम लोग करके उड़ा रहे हैं, बोले ये तो खत्म हो गई, ये तेरे खत्म, ये वाले। याद रखिएगा, आने वाला मजदूर क्या कुछ नहीं पाता, मगर कयामत में हिसाब की इच्छा मैं ये नहीं, मैं मस्जिद में ये बात करता रहा हूँ आपसे। ये जिसको हमने कोई हैसियत कोई वैल्यू लेगी 10-20-50 रुपए, मजदूर सामने वाला दिल महसूस करके रह गया, चाहता था आपको वो कह दे, मगर क्योंकि उसे भी थोड़ा सा ये उम्मीद है कि अगर मैं कहूंगा तो वो साहब सेठ का हाथ नहीं हंसा ना हो कि किसी और को ऑर्डर दे रहे हैं, इसमें मजबूरी में नहीं कह पाता है। याद रखिएगा, आज उसकी जबान बंद है, मगर कल याद रखिएगा उन्हीं की जबानें तो खुल जाएंगी। रब की बारगाह में हमारे और आपकी जबानें बंद होंगी और इन्हीं मजदूरों की जबानें खुलेंगी, जिनकी कोई नहीं सुनता था उनका रब العالمین सुनेगा, जो नहीं कह पाते थे वो रब العالمین की बारगाह में कहेंगे। उस दिन जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, एक एक पाई का हिसाब होगा। और वो याद रखिएगा, खाते और सब पैसे और बैलेंस की बात नहीं होगी, वहां नेकियों और गुनाहों का तबादला होगा, गुनाह डाले जाएंगे, नेकियां ले ली जाएंगी। डरिएगा ऐसे कयामत के मंजर से और ऐसे कयामत के दिन से, जिस दिन खुद रब इरशाद फरमाएगा, बताओ आज किसकी बादशाहत है, तो किसी को घूरने की इजाजत ना होगी, खुद ही कहेगा वो ऐसा खतरनाक दिन होगा, ऐसा खतरनाक दिन होगा। अल्लाह करे हमें आपको सबको उस मैदान कयामत की तैयारी और कब्र की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। ख्वाजा अली नवाज कहते हैं कि सब ऐसे बुजुर्ग से मिला जिनकी नाम कह चुकी थी, उसको कुछ नहीं है बताइए हमारी निगाहों में, मगर यार जो अल्लाह के महबूब, जो अल्लाह के बारगाह के महबूब बंदे बन जाते हैं, उनकी अदाएं नहीं जारी हो जाती हैं, फिर उन्हें वो आंखें नहीं चाहिए तो किसी और तरफ होती हों, उन्हें तो वो निगाह चाहिए तो कुरान पर पढ़े, नबी की हदीस पर पढ़े, वो निगाहें चाहिए तो मस्जिद के मीनार पर पढ़े, वो निगाहें चाहिए तो मुत्तकियों परहेजगार पर पढ़े। और ऐसी निगाहें होती है तभी कुरान में कहा जाता है वतलदुल आयुन, ऐसा किया जाएगा कि आंखें उनसे लज्जत हासिल करें। अल्लाह करे हमें आपको सबको इन बुजुर्गान दीन के नाम पर, हम जो अपनी महफिलें सजाते हैं उनके मिशन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ख्वाजा अली नवाज में मुरीद हुए ना, तो आपने सूरह इख़लास पढ़ा, सुभान अल्लाह पढ़ा, आपने नफिल नमाज पढ़ी, आपने पूरी रात की रात सब इबादत में गुजारी, रोजे रखे, तो हमें याद नहीं है ख्वाजा अली नवाज की देर भी याद है। अल्लाह करे हमें आपको सबको कुरान की तिलावत का शौक अता फरमाए। मुझे याद आ रही है तुम्हारे बदले में दूसरी कौम को ईमान की दौलत अता फरमा, अगर तुम फिर गए और तुमने खुदा के वादों का लिहाज नहीं रखा, खुदा के कानून की पासदारी और लिहाज आपके जहन में नहीं उतरा, तो अल्लाह फरमाता हम दूसरी कौम को बदल लेंगे, और अल्लाह फरमाता है वो कौम फिर तुम्हारी तरह बदअमल नहीं होगी, बदअमल नहीं होगी, वो कहीं तुमसे बेहतर होगी। तारीख भरी भरी है, जब जब मुसलमान खुदा की पटरी से हटे हैं तब तब जमाने के अंदर आजाब आए हैं और फिर मुसीबतें आई हैं, उन्होंने तौबा की है तो परवरदिगार ने उन्हें फिर उनको सख्ता फरमाए हैं। तारीफ है ऐसे वाकया से भरी पड़ी है, हम और आप भी नहीं सुधरेंगे तो कभी अदान है बंद होंगी। और ये बात याद आ रही, मैं क्या ही देखा, हालांकि टाइम पूरा हो गया, माइक बंद हुआ, हमने आपको सब कुछ रखे, हालांकि यहाँ पर माइक बंद है, अल्लाह का बोल ज्यादा मिल गई, मगर हमने और आपने माइक बंद हुए सबको तकलीफ हुई। और ये याद रखिए तो ये संभल एरिया के बंद हुए थे, मैं हसनपुर में गया, माइक सिर्फ संभल एरिया के बंद हुए, मैं कहना चाहता हूँ हमें आपको तकलीफ हुई, अपने तकलीफ होने की बात है, मगर जरा अपने दिल में झांक कर मुझे ये बताइए, अजानों का हमने कितना इकरार किया, अजानों का हमने कितना अदब किया, क्या अजान होने के बाद हमने अपनी टीवी को बंद किया था, क्या मोबाइल को हमने बंद किया था, नहीं, हमने तो सिर्फ
सिर्फ कितना किया, बोलियों आवाज को खत्म कर दिया। जो नाटक चल रहा वो नाटक हमारी निगाहों के सामने चलता रहा। और शाह गुलामा को फरमाते हैं जो अदानों के वक्त बातों में मशगूल रहता है, अंदेशा है कि कहीं उसका ईमान खत्म ना हो जाए। ईमान पर हम याद रखिए ना, हम क्यों दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इस्लाम की बातों का एहतराम करें, हमें खुद अपनी बातों का एहतराम करना होगा। अदान हमारी है, एहतराम हमें करना होगा। नमाज हमारी है, एहतराम हमें करना होगा। मस्जिद हमारी है, एहतराम हमें करना होगा। ये पागल पड़े जो दूसरों से एहतराम की उम्मीद रखी जाती है, ये पागल पन के सिवा हम क्यों उम्मीद रखते हैं कि हमारे घर की रखवाली और कोई करेगा। हमारा घर है तो रखवाली को हमें करना, देखरेख को हमें करना, सोचना समझना तो हमें। अगर हम ताला खोल कर कैसे चले जाएंगे तो याद रखिएगा, यकीन या लाजमी है अगर ना हो तो ये खुदा का फजल है। अगर आप अजानों के वक्त में नहीं आएंगे तो ये तो अभी वो कहते हैं ना कि साहब कॉल आने से पहले मिस कॉल है, ये मिस कॉल है, याद रखिएगा। वही तवल्लो यस्तबदिल कौमन गैरकुम ثم لا يكون من صالحكم, यकीन मिस कॉल है। अगर अभी भी नहीं जाते होगा हम आप, और अगर हमने अपनी अजानों का एहतराम नहीं किया तो याद रखिएगा, कल को हो सकता है कि अजानों पर मुकम्मल पाबंदी हो जाए, और फिर ऐसा वक्त भी आ सकता है कि नमाजों पर पाबंदी हो जाए। इसलिए खेत के हलाक होने से पहले हिफाजत का जरिया अपना लीजिएगा, और खेत को हलाक करने से पहले उसकी रखवाली की सोचिएगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो याद रखिएगा, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। अल्लाह ताला हमें आपको सबको बुजुर्गाने दीन के मिशन पर चलने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई बात मेरे कंट्री की दुनिया पर अगर गलत निकल गई हो तो मैं आप सबके सामने तौबा करता हूँ। अल्लाह करीम अपने हबीब करीम के सबसे जमाफ फरमाए। बड़ा नवाज से कर मशीन पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन दो शेरों पर अपनी तकरीर खत्म कर रहे हैं। दोनों जहां में तुम्हें मतलूब का आराम है, दोनों जहां में तुम्हें मतलूब का आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। और न दौलत से न शोहरत से न घर आबाद करने से, न दौलत से न शोहरत से न घर आबाद करने से तसल्ली बिल्कुल मिलती है खुदा को याद करने से। याद रखिएगा, बुढ़ापा आने से पहले इबादत कीजिएगा। बुढ़ापे में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुर्सी के हिसाब से नमाज पढ़ना पड़ जाती है। जवानों में शुक्र अदा कीजिए अपने मौला का कि हमें सर सजदे में टेकने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।